Hello, good morning friends. In our last video, we were discussing about the different scales of preparation of homeopathic drugs or medicine, wherein I had promised you that I will discuss in detail regarding the decimal scale in homeopathy as well as the centesimal scale. In our today's video, we are going to discuss in detail the decimal scale in homeopathy, who was the inventor, what is the principal designation and its uses. We are going to discuss everything about decimal scale in homeopathy in our today's video. सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि डेसिमल स्केल मैंने बताया था कौन सी होती हैं, जैसे 2x, 3x, 6x, जहाँ पर भी x लगा है वहाँ आप समझ जाएंगे कि ये मेडिसिन डेसिमल स्केल में प्रिपेयर्ड है. तो इस डेसिमल स्केल के इन्वेंटर कौन थे? डेसिमल स्केल वॉज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैविंग. What is the principle behind decimal scale? Decimal scale किस principle पे based है कि जो आपकी first potency बनेगी उसके अंदर original drug का 1/10th part होना चाहिए. ठीक है, first potency हम बनाएंगे तो 1/10th part होगा original drug का, और जैसे जैसे हम आगे फिर उसकी succeeding potencies बनाते जाएंगे तो हम previous potency का 1/10th part उसमें use करके बनाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पोटेंसी शुड कंटेन 1/10th पार्ट ऑफ ओरिजिनल ड्रग एंड ईच सक्सीडिंग पोटेंसी शुड कंटेन 1/10th पार्ट ऑफ द प्रीवियस पोटेंसी. डेजिग्नेशन क्या है डेसिमल स्केल के लिए? एक्स इज द डेजिग्नेशन. इसमें पहली पोटेंसी बनती है 1x, फिर 2x, फिर 3x, इस तरह से इसकी पोटेंसीज होती है. नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्केल. डेसिमल स्केल कहाँ काम में आती है? ओल्ड मेथड जो कि मास्टर हैनिमन ने दिया था हमको, वहाँ पे पोटेंटाइजेशन के लिए डेसिमल स्केल का यूज़ होता है. और न्यू मेथड के अंदर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर्स टिंचर इट इज़ द ओनली स्केल दैट इज़ यूज्ड. तो आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ ओल्ड मेथड में इसका काम है पोटेंटाइजेशन के लिए, कहाँ न्यू मेथड में हम डेसिमल स्केल को यूज़ कर रहे हैं मदर टिंचर बनाने के लिए. तो दीज आर द एप्लीकेशन पार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.